हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ओरना षष्ठी। सर्दियों की शुरुआत में एक उत्सव मनाया जाता है जिसमें भगवान जगन्नाथ को शॉल उड़ाया जाता है, और ये उत्सव इस बात का प्रतीक है कि इसके बाद से भगवान जगन्नाथ को गर्म कपड़े पहनाए जाएंगे। ये वस्त्र सीधे जुलाहे से खरीदे जाते हैं। अर्चन मार्ग में ऐसा वर्णित है कि ये वस्त्र पहले अच्छे से धोए जाते हैं ताकि सारी चिकनाहट निकल जाए और उसमें कोई अपवित्रता ना रहे। एक बार पुंडरीक विद्यानिधि और श्रील स्वरूप दामोदर ओरना षष्ठी का उत्सव देखने आए, और वह देखते हैं कि भगवान के सेवक बिना धोए वस्त्रों को भगवान को पहना रहे थे। पुंडरीक विद्यानिधि बहुत क्रोधित होते हैं। श्रील स्वरूप दामोदर उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर यहाँ ऐसा हो रहा है तो वह निश्चित ही भगवान को पसंद है। अगर यह भगवान को पसंद ना होता तो भगवान स्वयं ही मना कर देते। भगवान की विशेषताएं इस भौतिक जगत के शिष्टाचार की समझ से परे हैं। फिर भी पुंडरीक विद्यानिधि संतुष्ट नहीं हुए। उसी रात भगवान जगन्नाथ और भगवान बलराम पुंडरीक विद्यानिधि के स्वप्न में आए और उन्हें थप्पड़ मारे। भगवान जगन्नाथ ने पुंडरीक विद्यानिधि को भक्तों की आलोचना करने के लिए दंड दिया, और ये दंड देने की प्रक्रिया लगभग 48 मिनटों तक चली। पुंडरीक विद्यानिधि ने अपने किए का पश्चाताप किया और भगवान ने दयापूर्ण भाव में उनकी तरफ देखा और मंदिर को चले गए। जब पुंडरीक विद्यानिधि उठे तो उन्होंने अपने चेहरे पर सूजन महसूस की और भगवान के हाथों के निशान देखे। साक्षात भगवान जगन्नाथ की कृपा देखकर पुंडरीक विद्यानिधि भाव विभोर हो गए। कृष्ण कभी कभी अपने भक्तों को अचंभित कर देते हैं और फिर दयापूर्ण भाव में भक्तों की भ्रांतियों को नष्ट कर देते हैं। हालांकि पुंडरीक विद्यानिधि एक शुद्ध भक्त थे। आपको ओरना षष्ठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।